फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही कोई वीडियो शूट करके उस वीडियो के बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ब्लर इफेक्ट लगाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम चाहें तो अपने घर में ही वीडियो शूट करके उसमें हम कोई अलग सा बैकग्राउंड डाल सकते हैं और उस बैकग्राउंड को हम ब्लर कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, हम बैकग्राउंड डालेंगे कोई नेचुरल, जैसे लगेगा कि हम कोई पार्क में बैठ कर वीडियो शूट कर रहे हैं, और उस बैकग्राउंड को दोस्तों हम ब्लर कर देंगे। तो ये सब कुछ किस तरह से करना होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर दोस्तों आप आउटडोर में ज़्यादातर वीडियो शूट करते हो, तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है कि उसमें दोस्तों आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम अपने घर में बैठ के ही कोई वीडियो शूट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग तरह का ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास होना चाहिए ग्रीन स्क्रीन, या फिर दोस्तों आप किसी भी कलर का, सिंगल कलर का आप कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हो। मतलब कि मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन है, तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर वाइट भी यूज़ कर सकते हो, रेड भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों आप ब्लैक यूज़ कीजिएगा, तो क्योंकि दोस्तों अगर आप ब्लैक स्क्रीन यूज़ करते हो तो उसमें शैडो बनता है, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, और बैकग्राउंड को कट करने में या फिर ब्लर इफेक्ट डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, तो इसमें थोड़ा सा शैडो आएगा, लेकिन हमें अपना जो लाइटिंग है उस पर ध्यान देना होगा। मतलब कि हमारे घर में लाइट्स अच्छे खासे होने चाहिए, शैडो आएगा तो फिर ब्लर इफेक्ट लगाने में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से सेट करना होता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने अपना ग्रीन स्क्रीन सेट कर दिया है, और इसी के आगे मैं बैठ के अपना वीडियो शूट करूँगा। तो दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन पर अच्छा खासा लाइट होना चाहिए, तभी शैडो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मेरा फ़ोन भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ वीडियोस को शूट करने के लिए। सो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे फ़ोन से ये वीडियो शूट हो रहा है। अब बैकग्राउंड है दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा होगा। अब इस बैकग्राउंड को मैं कट करके दिखाऊंगा, और पूरा का पूरा जो है इसमें ब्लर इफेक्ट और कुछ नेचुरल टाइप का, जैसे लगेगा कि हम पार्क में वीडियो बैठ कर शूट कर रहे हैं, उस तरह का हम बैकग्राउंड डालेंगे उसमें, उसके बाद उसको हम ब्लर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, और हम आपको यहाँ बताएंगे कि किस तरह से आप ब्लर इफेक्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक इमेज डाउनलोड करना होगा, जो भी जिस भी तरह का इमेज आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप चाहे तो कोई आउटडोर का इमेज डाउनलोड कर सकते हो, और उसी फोटो में दोस्तों हम ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर देंगे और आपको बता देंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो हमें यहाँ पर एक नए पेज को क्रिएट करना है, और सबसे पहले वो इमेज जो हमने डाउनलोड किया था उसको ले लेना है, और इसका साइज हमें उतना कर देना है जितना हमारा वीडियो है, ठीक है। और इसको हम दोस्तों इसको पूरा हम स्क्रीन पे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये सब कुछ करना आपको आता होगा। उसके बाद दोस्तों हमें इस इमेज के ऊपर ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लेयर वाले बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद इफेक्ट वाले बटन पर प्रेस करना है, और यहाँ पर देख सकते हो बेसिक इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ब्लर वाले इफेक्ट वाले बटन पर प्रेस करना है, और इसको दोस्तों एरो वाला जो बटन है इस पर हमें प्रेस कर देना है। अब इसको भी फुल हमें कर देना है जहाँ तक हमारा वीडियो है, जितना हम दूर चाहें उतना दूर ब्लर इफेक्ट लगाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर प्रेस करना है, और इस ब्लर को हमें पूरे स्क्रीन में क्रिएट कर देना है। अब दोस्तों इतना ब्लर आपके हिसाब से अगर काफ़ी है तो ठीक है, वरना इससे भी ज़्यादा आप ब्लर क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग्स में जाके हम इससे ज़्यादा ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पे आप रखिए, या फिर 3 नंबर पे दोस्तों आप रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर इफेक्ट नहीं चाहिए होता है, 3 नंबर वाला सही है। इसके बाद से दोस्तों हमें वो वीडियो लेना है जिस वीडियो में हमें ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना था। इसके बाद लेयर वाले बटन पर प्रेस करना है, मीडिया वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वही वीडियो ले लेना है,
और इसका भी जो साइज है दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रोमा की वाले बटन पर प्रेस करना है और इसको इनेबल कर देना है। देख सकते हो दोस्तों क्रोमा की इनेबल करने के बाद पूरी तरह से दोस्तों हमारा ग्रीन स्क्रीन जो है वो कट नहीं हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो ऊपर की तरफ हमें दो सेटिंग्स मिलते हैं और यहाँ पर भी एक सेटिंग्स मिलता है जिसको हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 28 और ये 50 दिख रहा है इसको हमें इधर उधर सेट करना होता है। तो 28 को यहाँ पर दोस्तों 38 को 38 तक पहुँचा देना है और ये जो 50 वाला है दोस्तों इसको हमें 55-56 तक रखना है। अब आप अपने हिसाब से दोस्तों जब आप सेट करोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है और कितना नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों हम आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा ये अच्छा हमें ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर बैकग्राउंड हमें ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही सही तरीके से हुआ है। मेरे जैसा दोस्तों किसी ने भी नहीं बताया है, मैंने बहुत सारा YouTube पर वीडियो देख रखा था लेकिन किसी ने भी सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेटर है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।